जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेकेबी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2024 क्या 1 तारीख से पहले इस इलेक्शन देखने को मिलेगी, और जो बच्चे डिप्टी सीएम सर के पास गए थे और उन्होंने क्या कहा इस बात पर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर ले कि आपको पता है कि जेकेबी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो 1 तारीख को होने वाला है, यानी कि दिसंबर 1 को उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा? देखो यार, मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। देखो अभी भी एटलीस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ तो एटलीस्ट 26 डे अभी भी है। देखो 26 डे में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, क्या आपका एज रिजेक्शन देखने को मिल जाए, और अगर देखने को मिलती है तो फिर जो एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिक पोस्टपोन होगा ही होगा। अगर ये पोस्टपोन होता है तो ये चला जाएगा सीधा नेक्स्ट साल, ठीक है। आपको पता है कि कोर्ट केस भी चल रहा है, ठीक है, आपको पता है कोर्ट केस चल रहा है इसके ऊपर एज रिजेक्शन पर। मैं आपको बता दूँ, कोर्ट केस का आप ना के बराबर ही मान के चलो, क्योंकि आपको पता है कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर उसका जो रिज़ल्ट होता है वो आता ही नहीं है, मतलब 10-15 साल लग जाते हैं। तो आप कोर्ट से कोई उम्मीद रखो ही मत कि कुछ हो सकता है, ठीक है। जो भी हो सकता है वो हमारे जो जम्मू के सीएम है वो ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कह देते हैं कि इनको एज रिलेक्शन मिलनी चाहिए तो फिर आपको डेफिनेटली एज रिलेक्शन देखने को मिल जाएगी। तो ये जो अपडेट थी वो आपका शेयर करनी थी, तो आप अपनी तैयारी रेडी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी रखो। ये मैं सोच रहा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा तो आपको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। देखो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 1 तारीख को आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो पोस्टपोन मुझे लग नहीं ना कि होगा। देखो अभी भी 26 दिन है तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट अपडेट पर, तब के लिए जय हिंद जय भारत।